Friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 11th of July 2019. और discussion शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is रहनुमाई मजदसियान सभा और religious reform association was started by A. मोहम्मद इकबाल, B. सैयद अहमद खान, C. दादा भाई नरोजी या फिर D. मोहम्मद अली जिन्ना. Second question is the modern educated Indians did not support the 1857 revolt because A. they believed that British rule would help India modernize. B. they were sympathetic to the old rulers and chieftains. C. they had faith in feudalistic society. Ya fir D. they wanted to preserve the Indian customs and traditions. Third question of the day is Treaty of Salbai was signed between British and Nizam of Hyderabad, British and Marathas, ya fir C. British and Hyder Ali and D. British and Nawab of Awadh. To aap log in tino questions ke answer kariyega. एंड हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं. तो जो हमारी आज की सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन कर्नाटका आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मेनी एमएलएस. 13 एमएलएस ऑफ कांग्रेस एंड जेडीएस हैड अर्लियर रिजाइन एंड अब क्या हुआ है कि दो और कांग्रेस एमएलएस ने जो है वो रिजाइन कर दिया है. अब यहां पर हमारे लिए जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाते हैं तो सबसे पहला इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज कंडक्ट ऑफ स्पीकर. अब स्पीकर यहां पर क्या है पार्टीशन रोल प्ले कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फेवर कर रहे हैं बिकॉज ही हैज सेड दैट कि वी विल सेट एन इंक्वायरी इनटू द रेजिग्नेशंस. तो एक तरह से इन मेंबर्स को कैसे वापस से किसी भी तरह से लाया जा सके उसकी कोशिश कर रहे हैं. ठीक है तो ये स्पीकर का जो रोल है जो कि उम्मीद की जाती है इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि द रोल ऑफ स्पीकर वुड बी न्यूट्रल रेदर नाउ स्पीकर इज एक्टिंग इन अ पार्टीशन मैनर. तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि हाउ द रोल ऑफ स्पीकर हैज चेंज्ड इन द कमिंग इन द प्रीवियस पास्ट 10 और 12 इयर्स. एंड इसके अलावा जो स्पीकर का रोल है ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्टिकल 178 में मेंशनड है पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड आर्टिकल 178 से 187 डील्स विद द पोजीशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे. इसके अलावा स्पीकर के बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे कि स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी विच डिसाइड्स वेदर एनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट. एट द सेम टाइम स्पीकर इज ऑल्सो द हेड ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी एंड जनरल पर्पजेस कमिटी. तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग स्पीकर के बारे में. इसके बाद जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा ये इस इशू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है डीमेरिट्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट. ठीक है तो इस एक इशू के जरिए आप लोग डीमेरिट लिख सकते हैं कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है उसका जो फोकस होता है दैट इज मोर ऑन सेविंग द पावर रेदर देन गवर्निंग. तो उसके कारण जो स्टेट का गवर्नेंस है उसको सफर करना पड़ता है. तीसरा जो इशू इसी टॉपिक से पूछा जा सकता है वो है स्विचिंग ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस एंड इनएफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ. जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लाया गया था कि जो नेता इस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में चले जाते हैं या इंडियन पॉलिटिक्स में इसको आया राम गया राम ट्रेंड बोला जाता है. ठीक है तो उसको कम करने के लिए बट इट हैज नॉट बीन इफेक्टिव एज वी कैन सी इन द कर्नाटका, गोवा एंड मेनी अदर स्टेट्स वेयर लेजिस्लेटर्स आर फ्रीक्वेंटली स्विचिंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है तो इन तीन इश्यूज को ध्यान रखेंगे हम लोग, कंडक्ट ऑफ स्पीकर, डीमेरिट्स ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज स्विचिंग ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस एंड इनएफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इस एक न्यूज से. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड हियर अगेन द न्यूज इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ. हियर 10 कांग्रेस एमएलएज हैव ज्वाइंड बीजेपी इन गोवा. लेकिन अब यहां पे हुआ क्या है कि बिकॉज 2/3 ऑफ द कांग्रेस एमएलएज हैव ज्वाइंड बीजेपी और मर्ज्ड विद द बीजेपी सो एंटी डिफेक्शन लॉ वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस केस. अब हम लोग देख लेते हैं ऐसा प्रोविजन किस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था एंड एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है. सो एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट इन 1985 एंड स्ट्रेंथेंड इन 2002. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो जो ऐसे नेताओं के ऊपर रोक लगाने के लिए लाया गया था जो हमेशा इस पार्टी से उस पार्टी में स्विच करते रहते हैं. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इससे रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो रिमेंबर 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है अब किसी भी मेंबर को जो है वो एंटी डिफेक्शन में कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. तो सबसे पहली कंडीशन है इफ अ मेंबर वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, या कि वो खुद से पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दे, या फिर इफ ही वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी. ठीक है अपनी पार्टी ने जो उसको बोला है जिस हिसाब से वोट करने के लिए अगर उसके खिलाफ वो वोट करता है देन ही कुड बी डिस्क्वालीफाइड. सेकेंड कंडीशन इज इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन.
Third is, if a nominated member joins a party 6 months after he has become a member of the legislature. So, jo nominated members hote hain, unko 6 mahine ka time diya jata hai. If after the 6 months they join any political party, then they become disqualified on anti-defection grounds. Ab isme decision-making authority kaun hai? Anti-defection law mein, it is a speaker of legislative assembly or Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha or the legislative council. Theek hai? To ye dhyan rakhenge yahan par hum log. एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इसमें क्या हुआ कि जब 1985 में ये अमेंडमेंट लाया गया 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो वहां पर अलाउड था कि जो मोर देन 1/3 जो मेंबर्स हैं दे कुड लीव एंड देन एंटी डिफेक्शन वुड नॉट बी अप्लाइड 1/3 से ज्यादा अगर कोई भी MLAs रिजाइन करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इस एक प्रोविजन को हटा दिया गया And rather this limit was increased to 2/3 and 2/3 bhi ke upar bhi anti-defection kab nahi lagega when they merge with any other political party or they form a separate political party. To yahan par jo hai wo 2/3 wali condition rehne di gayi. So there is a criticism ki anti-defection law mein hua kya ki you have allowed for the wholesale defection rather than रिटेल डिफेक्शन तो आपने जो है वो इंडिविजुअल डिफेक्शन तो रोक दिया लेकिन जो होलसेल डिफेक्शन है उसको प्रमोट कर दिया ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक है सो नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड यहां पर जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लेबर लॉस ठीक है तो अभी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेबर लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है एंड नाउ द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल एंड लेबर लॉज रिफॉर्म्स में क्या किया जा रहा है अंडर द न्यू लेबर लॉ रिफॉर्म्स द 44 सेंट्रल लेबर लॉज आर नाउ बींग सब्स्यूम्ड अंडर फोर कोड्स ठीक है तो जो 44 लेबर लॉज थे उनको जो है अब 4 कोड्स के अंदर डिफाइन किया जा रहा है तो ये जो कोड आया है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल ये दूसरा कोड है इससे पहले एक कोड आ चुका है कोड ऑन वेजेस बिल एंड जो अभी कोड आया है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल इट विल सब्स्यूम द 13 सेंट्रल लेबर एक्ट्स लाइक फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 माइंस एक्ट ऑफ 1952 तो इन सारे एक्ट्स को ये अपने अंदर सब्स्यूम कर लेगा ठीक है एंड दिस कोड एनहांसेस द एम्बिट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग अबाउट 9 मेजर सेक्टर्स टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉयज अभी तक क्या होता था जो सेफ्टी के लिए जो मेजर्स लेने होते थे वो किन सेक्टर्स में किसी एक पर्टिकुलर 9 सेक्टर्स में वो जो है वो इफेक्टिव थे लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है जितने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उन सभी को इस कोड को मानना पड़ेगा ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल के बारे में नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू आईसीसी वर्ल्ड कप वेयर इंडिया हैज लॉस्ट इन द सेमीफाइनल एंड आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इज बीइंग हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स एंड द फाइनल विल बी प्लेड ऑन 14th of July एट लॉर्ड्स ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 370 अब यहां पर पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इंडिया आर्टिकल 370 को रिपील करता है विल इट इंपैक्ट एनी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन सो गवर्नमेंट हैज रिप्लाइड दैट कि सिंस कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन रिपील आर्टिकल 370 एट एनी टाइम तो आर्टिकल 370 अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपील करना है तो वो किसी भी समय उसको रिपील कर सकती है अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 370 के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टेम्परेरी प्रोविजन विच ग्रांट्स स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर ये जो है पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है विच डील्स विथ टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन ठीक एंड रिमेंबर दैट ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर एप्लीकेबल टू अदर स्टेट्स आर नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली टू जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 370 तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अपार्ट एक्सेप्ट फॉर डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल द अदर लॉज तो जो भी लॉज जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई होंगे या नहीं पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसके लिए आपको वहां की जो स्टेट असेंबली है स्टेट गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी ठीक है उनसे पूछना पड़ेगा सिर्फ 4 चीजें हैं जिनको छोड़ करके पहली डिफेंस दूसरा फॉरेन अफेयर्स
तीसरा फाइनेंस एंड देन कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इस एक प्रोविजन के बारे में। देन सेकंड इज कि इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। अंडर आर्टिकल 370 द सेंटर हैज नो पावर टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी सेंटर नहीं लगा सकता है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। एंड अंडर आर्टिकल 370 द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज और रिड्यूस द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 370 के जो हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 370 से रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू द सेकेंड पेज, एंड यहां पर एक बॉडी मेंशन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या बॉडी है एंड कब बनाई गई थी। एंड न्यूज यहां पर यह है कि आपकी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, दे आर अनहैप्पी विथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी रिपोर्ट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो अब ये टसल का क्या रीजन है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि जो दिल्ली मेट्रो के प्रायोरिटी में तीन फेजेस है उनका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए, एंड आप गवर्नमेंट वॉन्ट्स डैट कि ऑल द सिक्स फेजेस शुड बी गिवेन अ प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहां पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी विच इज टास्क्ड विद टेकिंग मेजर्स टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन में एनसीआर में पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी को बनाया था। इट वॉज नोटिफाइड इन 1998 बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसमें इसको नोटिफाई किया गया। इसका जो मैंडेट क्या है, डेट इज टू टैकल लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन एनसीआर रीजन एज वेल एज एनफोर्स द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन अगर बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं उनको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोला जाता है। अगर पॉल्यूशन कम है तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे, अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे, दैट इज रेफर टू एज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। एंड फॉर द एनसीआर रीजन इट इज इंप्लीमेंटेड बाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। एंड एट प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर भूरे लाल इज द चेयरमैन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। इसके बाद जो हमारी दूसरी न्यूज है इसी पेज पर, दैट इज रिलेटेड टू यमुना फ्लड प्लेन वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने जो है दिल्ली में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंडर दिस। मॉनसून टाइम में क्या होता है कि यमुना में ओवरफ्लो हो रहा होता है फ्लड के कारण, या पानी ज्यादा होने के कारण फ्लडिंग हो रही होती है। तो उस पानी को स्टोर करने के लिए आप गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू बिल्ड पॉन्ड्स ऑन द लैंड विच आर एसोसिएटेड क्लोज टू यमुना। तो उन लैंड्स को जो है वो लीज किया जाएगा फार्मर से एट द रेट ऑफ 77,000 रुपीज पर एकड़, एंड ऑन दोज लीज्ड लैंड्स पॉन्ड्स विल बी बिल्ड। अब पॉन्ड्स बनाने का क्या है कि इसके जो है वाटर की प्रॉब्लम जो है दिल्ली की वो सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। सो इट इज अ नोवेल इनिशिएटिव जो आप लोग वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखते टाइम इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज इनिशियली अ पायलट प्रोजेक्ट, वी विल सी वेदर इट विल सक्सेसफुल और नॉट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, यमुना फ्लड प्लेन वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट जिसमें यमुना के किनारे पॉन्ड्स बना करके वाटर को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। नाउ वी कैन सी समथिंग अबाउट यमुना रिवर। तो यमुना रिवर सिस्टम जो है, यमुना का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज लोकेटेड नियर द बांदेरपुंज पीक्स। एंड रिमेंबर टोंस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एंड यमुना इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना आर टोंस रिवर, गिरी रिवर, हिंडोन रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर, सिंध रिवर एंड चंबल रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यमुना एंड इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। हियर वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज आस्क्ड द दिल्ली गवर्नमेंट टू फोरफिट इट्स 5 crore रुपीज फेलिंग टू कंप्लाई विथ इट्स ऑर्डर्स, ठीक है। तो 5 crore रुपए का फाइन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर लगाया गया है। यहां पर हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये कौन सी बॉडी है, कब बनी थी। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वॉज फॉर्म्ड इन 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, ठीक है। एंड इट वॉज फॉर्म्ड फॉर द स्पीडी एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जा सके, उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। एंड देयर इज अ प्रोविजन दैट ऑल द केसेस विच आर फाइल्ड बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल विल हैव टू डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months ऑफ द फाइलिंग। तो 6 महीने के अंदर उन केसेस का निपटारा किया जाना था। अब चेयरमैन कौन हो सकता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, सो रिमेंबर चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल मस्ट बी अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
Another thing that we need to remember about National Green Tribunal is that it is not bound by the Code of Civil Procedure 1908, rather it is guided by principle of natural justice. Ab natural justice ka principle kya hai? Wo ye hai ki no one should be judged in his own cause, and second principle is that ki no one should be punished without hearing. तो किसी को भी अपने खुद के केस में जज नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा प्रिंसिपल है कि किसी को भी बिना सुने सजा नहीं होनी चाहिए. जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच है दैट सिट्स एट न्यू दिल्ली, एंड रीजनल बेंचेस जो हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में. अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल. एंड यहां पर जो है हम लोग आज देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट हैं जिनके अगर वायलेशन होता है तो उनको उनसे रिलेटेड केस को फाइल किया जा सकता है एनजीटी में. सो एसेंशियली देर आर 7 एक्ट्स विच आर मेंशनड इन शेड्यूल 1 ऑफ द एनजीटी एक्ट. तो उन एक्ट्स कौन कौन से हैं? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर एनजीटी एंड किन किन केसेस में आप एनजीटी के पास जा सकते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज के बारे में. नाउ कम टू द पेज नंबर 4, एंड हियर वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. यहां पर एक कुछ एक्टिविस्ट थे, लॉयर्स थे, वो जो है वो हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि फ्री मेट्रो राइड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू वुमेन, एंड हियर हाई कोर्ट हैज इंपोज्ड अ फाइन ऑफ ₹10,000 फॉर फाइलिंग सच सॉर्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, तो यहां पर जो एक अब्यूज चल रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, उसको लेकर के ये न्यूज थी. ठीक है, तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में देख लेते हैं. सो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए इन द 1960s में ये कॉन्सेप्ट यूएसए में डेवलप हुआ, एंड इसकी नीड क्यों पड़ी कि जो अनरिप्रेजेंटेड सेक्शन हैं या जो लोग ज्यूशरी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम लाया गया. इन इंडिया द पीआईएल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ज्यूडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1980s. ठीक है, तो इंडिया में कब आया? 1980s के दौरान. इसमें दो जजेस थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, वो थे जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पी एन भगवती. दे आर कंसिडर्ड एज द पायनियर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में होता क्या है? अंडर दिस एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन और अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी और इग्नोरेंस और सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजिशन आर देमसेल्स अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रेमेडीज. तो इसमें जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई गरीब लोग जो कि कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको अपना अधिकार नहीं पता है, अगर उनको उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोई भी आदमी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में. अब ये है तो अच्छा कॉन्सेप्ट, लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर स्पेशली आफ्टर द 2000 ये जो है एक तरह से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बन के रह गया. ठीक है, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन के रह गया कि आपको कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्शन गवर्नमेंट का नहीं अच्छा लगता है सो यू फाइल अ पीआईएल. अगर आपको अपने अपोनेंट को हैंडल करना है या उसको ठिकाने लगाना है सो यू फाइल अ पीआईएल. तो इसको लेकर के हमको ध्यान रखना चाहिए. आपसे भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है GS2 में कि वेदर पीआईएल इज बीइंग यूज प्रॉपरली और नॉट, या फिर व्हाट आर द चेंजेस विच कुड बी ब्रॉट इन द पीआईएल टू मेक इट मोर इफेक्टिव. तो यह ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में. नाउ कम टू द पेज नंबर 5, देयर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट न्यूज, सेम इन द पेज नंबर 6. नाउ कम टू द पेज नंबर 7, एंड हियर वी हैव अ न्यूज विच इज रिलेटेड टू शुगर केन एंड शुगर मिल ओनर्स. एंड यहां पर जो है वो जो यहां के पूर्व फॉर एक्स एमपी हैं राजू शेट्टी, ही हैज सेड दैट कि क्रॉप शुड बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन. ठीक है, अब मराठवाड़ा में जो है वो शुगर मिल्स नहीं बनाई जाए, इसको लेकर के उन्होंने प्रपोज किया है. शुगर मिल्स बनाने का नुकसान क्या होता है कि वहां पे शुगर केन प्रोडक्शन होगा. शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड मराठवाड़ा में वैसे भी ड्रॉट रहता है. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि द क्रॉप्स एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक पल्सेस एंड ऑयल सीड्स शुड बी प्रमोटेड इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज. तो यहां पर जब भी हम लोग ड्रॉट के बारे में लिखें या वाटर की डिफिशेंसी के बारे में लिखें तो इस एक इशू को जरूर हाईलाइट करें कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर उतना वाटर अवेलेबल नहीं है, बट चेंज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न कि आप शुगर केन एंड पैडी ग्रो मत करिए. ठीक है, उन एरियाज में जहां पे पानी की
कमी है. सो हाईलाइट दिस एज अ सॉल्यूशन ऑल्सो. ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इस न्यूज से रिलेटेड. नाउ कम टू द पेज नंबर 9 एंड हियर वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. तो यहां पर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्ट्स के ऊपर जो सी लेवल बढ़ा है उसका कितना असर हुआ है. तो मिनिस्टर ने रिप्लाई किया है कि बंगाल पोर्ट हैज सीन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सी वाटर राइज. ठीक है, तो इसको यहां पर जो है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट चेंज में, जब आप लोग लिखें तो जो राइजिंग सी लेवल है उसमें आप इस एक फैक्ट को भी कोट कर सकते हैं कि बंगाल पोर्ट हैज सीन द हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ सी लेवल. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण एक तो इंपैक्ट है राइजिंग सी लेवल. एंड रिमेंबर दिस फैक्ट दैट कि ग्लोबल सी लेवल इज राइजिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.8 mm पर ईयर ओवर द लास्ट सेंचुरी. एंड सेकेंड इशू विच कुड बी हाईलाइटेड रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंजेस, हैवी रेनफॉल, देन एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट्स लाइक हीट वेव्स एंड शिफ्ट इन सेमी एरिड रीजन. तो इन सारे इशूज को भी आप क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट या क्लाइमेट चेंज के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें हाईलाइट कर सकते हैं. देन हियर वी कुड डिस्कस अबाउट द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. तो देर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया डेट हैंडल वॉल्यूम एंड कंटेनर एंड कार्गो ट्रैफिक. ऑन द वेस्ट कोस्ट वी हैव मुंबई, कांडला, मैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, मर्मगोवा एंड कोचिन. ठीक है, अब मुंबई जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया. कांडला इज ऑल्सो नोन एज द टाइडल पोर्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाई वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड. थर्ड वन इज JNPT के बारे में ध्यान रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. तो ये तो हो गए हमारे वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स. अब ईस्ट कोस्ट में अगर पोर्ट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, विशाखापट्टनम विच इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, पैरादीप, कोलकाता लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर नोन एज डायमंड हार्बर एंड एन्नोर विच इज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोर्ट. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में. एंड मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है कि मेजर पोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइनर पोर्ट्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स एंड 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिल विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. ठीक है, तो अब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिल को जो है वो अप्रूव किया है कैबिनेट ने. एंड यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज लाया जा रहा है वो ये है कि देयर विल बी अ सिंगल ट्रिब्यूनल टू हियर वाटर डिस्प्यूट्स. ठीक है, एंड इट विल हैव टू डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो एक सिंगल ट्रिब्यूनल होगा. अभी तक क्या होता था कि अगर कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तो उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल, अगर मांडवी वाटर ट्रिब्यूनल है तो उसके लिए अलग, मतलब डिस्प्यूट है तो उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो अलग अलग रिवर डिस्प्यूट्स के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे. अब इस बिल में क्या किया जा रहा है, अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिल देयर विल बी अ सिंगल ट्रिब्यूनल टू हियर वाटर डिस्प्यूट्स. ठीक है, इसके अलावा बिल ऑल्सो प्रपोजेज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी सेटअप बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एमिकेबली रिजॉल्विंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स विद इन 18 months. तो एक बॉडी सेटअप की जा रही है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी. इसमें क्या किया जाएगा कि जब भी कोई सेंटर के सामने अगर डिस्प्यूट लाया जाता है किन्हीं भी दो स्टेट्स के द्वारा, सो दे विल बी अ कमिटी विल बी फॉर्म्ड एंड इट विल विथ ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली विथ इन 18 months. कि आपस में मिल बैठ करके ट्राइब्यूनल के पास ना जाना पड़े, उस एक इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, तो ये यहां पर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स बिल से रिलेटेड न्यूज थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवेन अप्रूवल फॉर द थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. सो रिमेंबर कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 वॉज इंट्रोड्यूस बाई द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट स्पीच ऑफ 2018-19. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च कब हुई थी, इनिशियली इट वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2000 विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सिंगल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन साइज. तो जो गांव ऐसे थे जिनके पास परमानेंट ऑल वेदर रोड्स नहीं थी उनको कनेक्ट करने के लिए 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च की गई थी. एंड इसका क्राइटेरिया क्या था, अगर किसी भी गांव की पॉपुलेशन 500 प्लस है इन प्लेन एरियाज एंड 250 प्लस है इन नॉर्थ ईस्ट हिल ट्राइबल एंड डेजर्ट एरियाज एज पर सेंसस ऑफ 2001. ठीक है, तो उन एरियाज को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कवर किया गया था. इसके अलावा यहां पर एक और स्कीम है दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इज रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन द ईयर 2016 फॉर प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन 44
डिस्ट्रिक्ट्स विच आर क्रिटिकल फ्रॉम सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के बारे में, जब आप लोग जीएस 3 में अपना नक्सलिज्म या इसके ऊपर लिखें या कोई स्कीम आपसे पूछ ली जाए तो वहां पर आप इस स्कीम को हाईलाइट कर सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंडर विच ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी विथ नेसेसरी कलवर्ट्स एंड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इज विल बी प्रोवाइडेड इन 44 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर अफेक्टेड बाई नक्सलिज्म, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एंड अनदर स्कीम के बारे में। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड यहां पर जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज रिटन ऑन द इशू ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग वेदर इलीगल माइग्रेंट्स कैन बी ग्रांटेड एज द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज और नॉट। अब ये इशू क्यों आया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सोलिसिटर जनरल है उन्होंने परसों सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि इट इज अ सब्सटेंशियल मैटर ऑफ लॉ एंड यू शुड डिसाइड कि इलीगल माइग्रेंट्स को जो है वो रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग पहले इलीगल माइग्रेंट समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सिटीजनशिप के जो लॉज है इंडिया में अंडर देम, इलीगल माइग्रेंट इज एनी फॉरनर एंटरिंग इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और ओवर स्टेइंग अ परमिटेड पीरियड ऑफ स्टे। तो इलीगल माइग्रेंट्स कौन है, ऐसा कोई भी फॉरनर जो इंडिया में बिना वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के आता है, और या कि फिर वो अपना जो उसको डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे रहने के लिए जितना टाइम दिया गया था उससे ज़्यादा ओवर स्टे कर जाता है, ठीक है, तो उसको इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है। अब एडिटोरियल ने जो है वो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट के स्टैंड को कि गवर्नमेंट हैज डन द रॉन्ग थिंग बाई आस्किंग वेदर कि इलीगल माइग्रेंट्स कुड बी ग्रांटेड एज अ रिफ्यूजी स्टेटस। ये एक तरह से है कि हमको रिफ्यूजी स्टेटस किसी को देना ही नहीं है। उसका कारण क्या है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने कंट्री को कब छोड़ेगा, जब वहां पे वॉर हो रहा हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। अब कोई भी कंट्री छोड़ने की परमिशन तो देगी नहीं कि आप हाँ ठीक है हमारे यहाँ वॉर हो रहा है तो आप दूसरे यहाँ चले जाओ। तो सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल हु वुड कम एज विल कम एज एन इलीगल माइग्रेंट ओनली, ठीक है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स की तरह ही आ सकते हैं। एंड आप पूछ रहे हो कि वेदर दे शुड बी ग्रांटेड एज अ रिफ्यूजी स्टेटस और नॉट, तो रिफ्यूजी तो तभी आदमी होता है ना जब वो इलीगली या मतलब उसको लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना मिले और वो दूसरी कंट्री फ्ली करके जाए या डर के कारण जाए तो उसको लेकर के। अब यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एडिटोरियल ने सजेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ बैलेंस्ड व्यू एंड विल डिसाइड ऑन दैट केस। रिमेंबर के इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951 एंड अ प्रोटोकॉल अडॉप्टेड इन 1967 ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। सो इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज बट सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज ऑलवेज फॉलोड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल का कहना है कि पता नहीं ऐसा क्यों है कि इस बार रोहिंग्यास के केस में इस एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है। इंडिया दो इज नॉट अ पार्टी बट इट हैज लार्जली एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। एंड इससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम फोर्सिबली रिटर्निंग रिफ्यूजीज टू कंडीशंस दैट कॉज देम टू फ्ली देयर होम्स इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में क्या है कि अगर किसी की जान को खतरा है उसकी कंट्री में या दूसरे कंट्री में तो वहां पर उसको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। तो यहाँ एडिटोरियल ने सजेस्ट क्या किया है, एडिटोरियल है सजेस्टेड कि इंडिया शुड वर्क विद द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन द वॉलंटरी रिपेट्रिएशन ऑफ द रोहिंग्यास एंड नॉट टू डाउनग्रेड इट्स रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज बाई परसुइंग द डिपोर्टेशन ऑप्शन विदाउट रिलेंट, ठीक है। तो इंडिया को फोर्सिबली जो है रोहिंग्यास को नहीं डिपोर्ट करना चाहिए, रेदर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करके ऐसे म्यांमार गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि दे शुड एक्सेप्ट दोज रोहिंग्यास हु हैव इलीगली एंटर्ड इंडिया और हु वर फोर्स्ड टू फ्ली इंडिया, फोर्स्ड टू फ्ली म्यांमार, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इस एडिटोरियल के बारे में। इसके बाद जो हमारा आज का लीड आर्टिकल है दैट इज ऑन हाउ टू कंट्रोल ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सिंस 11th ऑफ जुलाई इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। एंड अनदर बैकग्राउंड इज द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट विच सेज दैट इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई 2027, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। एंड यहाँ पे ऑथर्स ने कुछ सजेशन दिए हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो फर्स्ट सजेशन ऑथर हैज गिवन इज कि अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज।
तो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज जो स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज हैं दे शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड स्ट्रिक्ट कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, प्यूनिटिव एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है, कि आप जो है जैसे प्रोविजंस किया गया है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या दो से ज्यादा बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं आ सकते हैं, उनकी मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इन सारे मेजर्स के जरिए आप पॉपुलेशन कंट्रोल का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि इंक्रीज द एजुकेशन एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ऑफ द रिचेस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ ओनली 1.5 while the poorest woman has a total fertility rate of 3.2, तो जो उसके कारण जो एक population explosion होता है at the lower strata of society, उसको control करने की कोशिश करनी चाहिए। Third thing she has suggested is provision of safe and easily accessible contraceptive services, तो ये provide कराना चाहिए। इसके बाद जो है author ने बोला है कि India में जो है अभी demographic dividend की बात चल रही है, and to reap this demographic dividend वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर स्किल्स टू अवर यूथ्स, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड हाउ अफॉरेस्टेशन कुड बी डन टू हैंडल इट, ठीक है। यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले तो जो इंडिया ने पेरिस एकॉर्ड 2015 में अपने कमिटमेंट्स दिए थे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन INDCs, उसको लेकर के हाईलाइट किया। इंडिया के क्या क्या कमिटमेंट्स किए थे इंडिया ने, कि there will be reduction in the emission intensity of the GDP by about a third and total of 40% of the installed capacity for electricity will be from non-fossil fuel sources. Another commitment that India has made is ki India also promised an additional carbon sink, a means to absorb carbon dioxide from the atmosphere of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by the 2030, ठीक है। तो ये commitment India ने Paris Accord के अंदर किए थे कि जो emission intensity है India's GDP की वो 2005 के level से घटा करके 30% घटा करके one third घटा करके 2030 तक कर दी जाएगी। दूसरा जो कमिटमेंट किया था वो ये किया था कि अराउंड 40% ऑफ द इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। तीसरा जो कमिटमेंट किया था कि इंडिया जो है वो कार्बन को कंज्यूम करने के लिए या सिंक करने के लिए 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट कवर बढ़ाएगा, ताकि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन किया जा सके, ठीक है, बाय 2030। अब कार्बन सिंक कैसे अचीव किया जा सकता है, वो है रिस्टोरिंग इंपेयर्ड एंड ओपन फॉरेस्ट, एफॉरेस्टिंग वेस्ट लैंड, थर्ड इज प्रमोटिंग एग्रोफॉरेस्ट्री, देन बाय प्रमोटिंग ग्रीन कॉरिडोर्स, प्लांटेशन अलोंग रेलवेज, कैनाल्स एंड अदर रोड्स। अब ऑथर ने सजेस्ट किया है कि इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन द हाईवेज एंड यहां पर अलग अलग जगह से, रेदर जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं, वहीं पर जो इंडिजिनस ट्रीज हैं उनको प्लांट किया जाए। एंड द सेकेंड पॉइंट सी है सजेस्टेड इज कि जॉइंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट विथ पीपल, ठीक है। तो जो वहां के जो कम्युनिटीज हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बढ़ाया जाए। तो ये सजेस्ट किया है कैसे आप अपना जो आपने कमिटमेंट किया है कि वी विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेकेंड एडिटोरियल वॉज ऑन ग्रीस इलेक्शन, वी कैन स्किप इट, इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड हियर वी हैव इन द ऑपेड पेज द फर्स्ट आर्टिकल इज रिटन इन द डिफेंस ऑफ नेहरूज कश्मीर पॉलिसी। एंड ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अभी जो रिसेंट डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, वहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक्यूज किया था कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कश्मीर क्राइसिस एंड बींग, और इसी के कारण, उनकी पॉलिसीज के कारण जो है 1/3 ऑफ द कश्मीर इज नाउ विद पाकिस्तान एज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहां पर नेहरू का डिफेंस लिखा गया है, सो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। यूपीएससी विल नेवर आस्क यू कि वेदर नेहरू वॉज रिस्पॉन्सिबल और हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सो वी कैन स्किप इट, दैट वन इज अ पॉलिटिकल वन, सो वी कैन लीव इट। सेकेंड जो आर्टिकल है हमारा, दैट इज ऑन मी टू मूवमेंट। एंड यहां पर जो है वो ऑथर ने बोला है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है कि वी शुड ट्राई टू हैव अ टेक अ बैलेंस व्यू ऑन द मी टू मूवमेंट। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट बिकॉज इट हैज एम्पावर्ड मेनी वुमेन टू टेक ऑन द पावरफुल बुलीज और द पावरफुल मेन एट द इन्फ्लुएंशियल पोजिशन, ठीक है। तो उनके खिलाफ बोलने का एक प्लेटफॉर्म दिया है, बट इसका बहुत सारे लोग जो है वो मिसयूज भी कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं। तो यहां पर ऑथर ने बोला है कि मेनी ऑफ द वुमेन्स आर यूजिंग मी टू मूवमेंट टू स्कोर टू मेक, मतलब जो अपना पर्सनल
स्कोर्स थे उनको सेटल करने के लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि जो उनके पर, जैसे किसी मान लीजिए किसी का रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है, अब उसके बाद जो है उन्होंने उसको उस पर्सन को एक्यूज कर दिया कि ही हैज डन अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट विथ मी, ठीक है, तो उसको लेकर के ये अब्यूज ना किया जाए, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। एंड जो जब लीगल एक्शन लेने की बात आती है तब वो मतलब वो वुमेन्स पीछे हट जाती हैं, ठीक है, तो ऑथर ने कहा है कि इस मूवमेंट में हमको जो है वो एक बैलेंस व्यू लेने की जरूरत है, एंड जो रियल कंप्लेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए, एंड जो पर्सनल स्कोर्स सेटल किए जा रहे हैं, पर्सनल एनिमिटी सेटल की जा रही है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था मी टू मूवमेंट के बारे में। नाउ कम टू द पेज नंबर 13 एंड हियर वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू नाटो। तो यहाँ पर जो है पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी कि जो US कांग्रेस में सेनेट है दे हैड अप्रूव्ड फॉर नाटो लाइक नाटो एलाई स्टेटस टू इंडिया, ठीक है, बट जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है नाउ दे हैव वॉटर डाउन डेट बिल, तो उसके जो प्रोविजंस हैं उसको कम कर दिया गया है। एंड क्यों कम किया गया है? बिकॉज ऑफ इंडियाज S-400 डील विथ रशिया, ठीक है, तो जो इंडिया की रशिया के साथ डिफेंस डील्स हैं उनको देखते हुए ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में US में डिसाइड किया गया है कि इंडिया माइट नॉट बी गिवन अ नाटो एलाई लाइक स्टेटस। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं, कब बना था। सो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। सो रिमेंबर नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस एंड द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 4th of April 1949। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स बेल्जियम, एंड इट हैज बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एनेबल मेंबर्स टू कंसल्ट एंड कॉपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज। एंड जो इसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है दैट इज द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स इफ डिप्लोमेसी फेल्स। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नाटो के बारे में। नाउ कम टू द बिजनेस पेज एंड हियर वी हैव अ न्यूज विच इज रिलेटेड टू आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड न्यूज इज दैट कि जो इंडिया इंडियन कंपनीज थी उनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट हैज ड्रॉप टू $820 million, ठीक है, तो उसमें गिरावट आई है। सो दिस शोज की स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू GDP। एंड यहाँ पर जो है वो एक अपोजिशन पार्टीज हैं, दे हैव रेज द इशू डैट वाई GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स आर डिफरेंट इन द बजट एंड डिफरेंट इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिप्लाइड कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बेस ईयर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फॉर रीचिंग एट द प्रोविजनल फिगर्स। तो यहाँ पर हम लोग GDP के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। GDP इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन ईयर पीरियड। तो एक साल के अंदर किसी भी देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसकी जो उसका जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज रेफर्ड टू एज GDP। एंड इन इंडिया दिस कैलेंडर ईयर इज फ्रॉम 1st April to 31st March। अब जो है GDP जो है वो दो तरह से कैलकुलेट की जा सकती है, पहली है नॉमिनल GDP एंड दूसरी है रियल GDP, ठीक है। तो नॉमिनल GDP पे क्या होता है? इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड। नॉमिनल GDP इज द GDP एट करेंट प्राइसेस। तो वहां पे जो अभी ईयर चल रहा है उसके बेसिस पे GDP जो कैलकुलेट की जाती है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दैट इज रेफर्ड टू एज नॉमिनल GDP। रियल GDP क्या होती है? रियल GDP इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्स्टेंट प्राइस, ठीक है, GDP। अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के कारण प्राइसेस में कितना चेंज आया या GDP में कितना चेंज आया उसको अकाउंट किया जाता है। सो रियल GDP इज द GDP एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर GDP, नॉमिनल GDP एंड रियल GDP के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पर न्यूज इज रिलेटेड टू नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब बना था, किस एक्ट के अंदर बना था। सो रिमेंबर NCLT वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस इरादी कमिटी एंड इसका जो एक्ट है डेट इज कंपनीज एक्ट सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट में NCLT को बनाया गया था 2016 में। एंड इट इज अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी एंड ये चार तरह के केसेस से डील करती है। फर्स्ट वन इज की कंपनी लॉ बोर्ड, सेकेंड इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इज केसेस रिलेटेड टू सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, फोर्थ वन इज केसेस परटेनिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। एंड अनदर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट NCLT इज दैट
इट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आया था उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है दैट इज एट न्यू दिल्ली एंड प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? जस्टिस एमएम कुमार इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी। ठीक है, तो एनसीएलटी जो है वो कौन कौन से चार लॉ से डील करती है? कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एज वेल एज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट और बाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर हम लोग एनसीएलटी के बारे में, विच हैज बीन फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कॉफी एंड जो वर्ल्ड कॉफी प्रोड्यूसर्स फोरम है इट्स मीटिंग इज बीइंग हेल्ड इन कैंपिनास ब्राजील। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग वर्ल्ड कॉफी प्रोड्यूसर्स फोरम है उसकी जो मीटिंग हो रही है वो कहां हो रही है? कैंपिनास ब्राजील में। अब वर्ल्ड कॉफी प्रोड्यूसर्स फोरम क्या है? इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी दैट रिप्रेजेंट्स ओवर 25 मिलियन कॉफी ग्रोइंग फैमिलीज अक्रॉस 60 कंट्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। ठीक है, तो ये कोई गवर्नमेंट या इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी विच इज रिप्रेजेंट्स 25 मिलियन फार्मर्स अक्रॉस 60 कंट्रीज। कॉफी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉफी कैसा क्रॉप है? रिमेंबर कॉफी इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप एंड इट्स सीड्स आर रोस्टेड ग्राउंड एंड आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेवरेज। देयर आर थ्री वेराइटीज ऑफ कॉफी, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। रिमेंबर इंडिया इज नोन फॉर द इंडिया प्रोड्यूसर्स अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी विच वॉज ब्रॉड फ्रॉम यमन एंड इट इज कल्टिवेटेड इन द बाबा बुदान हिल्स एंड इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एंड क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है कॉफी ग्रोथ के लिए? कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड हिल स्लोप्स आर ऑल्सो सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो ये हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कॉफी से रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू द लास्ट पेज एंड हियर वी हैव अ न्यूज विच इज रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहां पर एक 300 ऑल वुमेन वॉयज विल गो ऑन अराउंड द ग्लोब सर्कम नेविगेशन टू हाईलाइट द मेनेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द ओशियंस। अब यहां पर कुछ फैक्ट हाईलाइटेड है उसको हम लोग देख लेते हैं कि देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स विच वॉन्ट डैट देयर कुड बी मोर प्लास्टिक देन फिश इन अवर ओशियंस बाई 2050। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट यह है कि देयर इज एन एडिशन ऑफ अराउंड 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर इन द ओशियंस। तो उसके कारण से जो हमारा फूड वैल्यू चेन है, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहां पर प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। नाउ कम टू द पेज नंबर 1। आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लिए जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दादा भाई नरोजी सी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिलीव दैट ब्रिटिश रूल वुड हेल्प इंडिया मॉडर्नाइज, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी, ब्रिटिश एंड मराठास, ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठास। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड, आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। Thank you and have a nice day. Please do like, share and subscribe the Exams Made Simple. Thank you.